बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीन है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ुमान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब बारिश हो रही है और थोड़ा सा मौसम बेटर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप सबसे आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सबसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप सबसे दुआ करने को कहना था। यकीनन आप सब भी दुआ कर रहे होंगे और आप सबको भी बहुत ज़्यादा फिक्र होगी मेरी तरह से, लेकिन आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो लोगों को, जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं, जैसे कि मैं गर्म इलाके में रहती हूँ, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश की दुआ कर रहे होते हैं, तो काइंडली बारिश की, बहुत ज़्यादा बारिश की दुआ ना कीजिए। अल्लाह पाक से यही दुआ करें कि अल्लाह पाक मौसम को ज़्यादा गर्मी वाला ना बनाए और बहुत ज़्यादा मौसम जो है ना वो बहुत बारिश पे अगर दें तो अल्लाह पाक रहमत की बारिश नाजिल फरमाएँ, ताकि सैलाब से हम बच सकें। सैलाब जिन इलाकों में आया है वहाँ पर अल्लाह पाक उन पर बहुत ज़्यादा रहम करें, करम करें और उन लोगों को अपने महफूज मकामात पर अल्लाह ताला से खैर व आफियत से पहुँचा दें, आमीन। जनाब यहाँ पर मैंने ये खीर बनाई है और बहुत टेस्टी सी खीर है, देखें बहुत मज़ेदार सी, कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई थी, लेकिन दिल नहीं कर रहा था, हकीकत जो बात है, तो फिर भी मैंने खीर बनाई थी। यहाँ पर जी जनाब ये लंच है और लंच में बाजी ने बनाया था ये गोश्त का सालन, जो कि सेम लाइक दम पुख बनता है, उसमें कोई ऑयल नहीं डलता, उसी तरह उसको आटा लगा के बंद कर दिया जाता है और दैन तैयार होता है। ये मज़ेदार सी भिंडियाँ हैं जो कि मैंने पकाई थी, बहुत टेस्टी भिंडियाँ बनी थी, तो ये भी हम लोग अब लंच कर रहे हैं, जिसको जिसमें है हमारे पास दो रोटियाँ, आई थिंक सो दो या तीन रोटियां होती हैं, तो बस वो हम मिल के खा लेते हैं दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। और यहाँ पर जी मेरे लिए हस्बैंड बर्गर लेकर आए थे, क्योंकि जब भी वो बाहर कुछ खाते हैं तो मेरे लिए ज़रूर लेकर आते हैं, और ये एक अच्छी नेचर है, अल्लाह पाक हर तरह हर किसी के हस्बैंड को तौफीक दें कि वो जब भी कुछ बाहर खाएँ तो जिस कदर वो, जिस हद तक वो कर सकते हैं अपनी मिसेज़ अपनी फैमिली के लिए भी वही सब कुछ करें। यहाँ पर मैं आपको शेक दिखा रही थी जो कि मैंने इन्जॉय किया है, और मैं इसी तरह जग के साथ ही पी लेती होती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं करती, प्रॉपर बैठ के नहीं पीती, स्कूल जाना होता है जल्दी होती है। यहाँ पर मैंने इडोनो की शर्ट पहनी जिसके ऊपर पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है, पिंक कलर का टिशू का दुपट्टा है, और साथ में है मेरे वाइट कलर का ट्राउज़र, सम टाइम मैं इसके साथ वाइट कलर का टाइट भी पहन लेती हूँ, और ये मज़े का मेरा ड्रेस है बड़ा प्यारा सा। और मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, शेक पिया स्कूल के लिए रेडी हुई, और ये जी हम अब आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम जो है ये बाकायदा ये जो लाई गई थी वो स्पेशली हमारे लिए नहीं थी, मतलब कि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए नहीं थी, ये हमारे जो मेरी फ्रेंड है उनके लिए वो आई थी मेरे घर पर, और हस्बैंड ने कहा कि मैं आइसक्रीम ला के देता हूँ आपको, तो आप खा लें, आप लोग इन्जॉय करें आइसक्रीम, तो वो कुछ भी नहीं खा रही थी, जिसकी वजह से आइसक्रीम पड़ी रहेगी और फिर हम लोगों ने बाद में खा ली। ये जनाब हमने एक दिन पिज़्ज़ा खाया था, और आप देखते हैं कि मेरी सारी वीडियोस में पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है, मैं क्या करूँ, आई नो कि हेल्दी फूड नहीं है ये, लेकिन जब दिल चाह रहा होता है, जब बहुत भूख लगती है तो नहीं रहा जाता, नहीं कंट्रोल होता। तो ये जी हम रात के टाइम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो कि है कि FNC का पिज़्ज़ा, जो लोग कबीरवाला में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। जनाब अभी हम जा रहे हैं जहानिया, और जहानिया के हम रास्ते में रुके हैं क्योंकि टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है और थोड़ा सा मतलब फट सा गया था, और यहाँ पर बड़े प्यारे नज़ारे हैं क्योंकि सूरज जो है वो ढल रहा है, शाम का मंजर है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का वो हो रहा है, इन्वायरमेंट हो रहा है, किस तरह का वेदर हो रहा है। तो जनाब यहाँ पर टायर लगाया जा रहा था, और उसके बाद ही मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में जी अंगूर आए हुए थे घर पर, तो कोई भी फ्रूट पड़ा हो वो भी साथ में खा ले सुबह के टाइम, जो भी आपका दिल चाह रहा हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह नाश्ता जो है उसमें मिल्क शेक तो मेरा मस्ट हो, और वो मैं एक तीन हफ्ते महीना होने को है तकरीबन, मेरा यही रूटीन है। ये जनाब मैंने स्कूल में कुछ खाया पिया था, तो मैं आई तो मेरे हस्बैंड से कहा कि मैंने कुछ खाया तो आप भी कुछ खाएँ, तो उन्होंने फिर बिरयानी अपने लिए बिरयानी लाई थी, और वो जब खा रहे थे तो ऑब्वियसली मैंने उनके साथ फिर से दो तीन चम्मच खा ली। यहाँ पर जनाब बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि मतलब रिक्वेस्ट ही की, मैसेज किया उनको स्कूल में ही कि बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, तो वो समझ गए कि इसको अब कहीं जाना है, तो वो मुझे लेके गए खाने वाले। और यहाँ पर हम जी हैं पिज़्ज़ा कोचीना में, और पिज़्ज़ा कोचीना में बड़ा मज़े का इनका है एक्सट्रीम पिज़्ज़ा, जो है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने नहीं खाना ला, उन्होंने दो दफ़ा खाया, मैंने एक दफ़ा खाया, और मैं इसी वजह से उनको कह रही थी कि हम वहाँ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं मायो ज़्यादा होती है मैं नहीं खाऊँगा, तो देन हमने ये पिज़्ज़ा क्रस्ट जो है उसको मंगवा लिया, तो बड़ा मज़े था, मज़ेदार था ये भी, लेकिन इसके अंदर जो है वो पिज़्ज़ा क्रस्ट कह रही हूँ, सॉरी चीज़ क्रस्ट ना इसका नाम था, तो इसके अंदर क्या था कि चीज़ की दो लास्ट जो है ना आउटर बाउंड्रीज़ की, उसके अंदर थोड़ी बहुत ही वो चीज़ डाली हुई थी, और दरमियान में तो होती होती है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया, एक्सट्रीम से मुझे ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। अलकैफ़ का पिज़्ज़ा और इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, खाने वाले में जो लोग रहते हैं या जो जाना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं तो इन दोनों से ही खाएं और कहीं और मत जाएं। मुझे मैंने और भी ट्राई बहुत सारे किए, मैं नेम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो मज़े के नहीं मुझे इतने लगे।
तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। खाने में, पिज़्ज़ा खाने में बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हेल्दी फूड खाया करें। मेरा देखा देखी जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। यहाँ पर जनाब ये डिनर हो रहा है, तो लेती हूँ मैं आपसे अब इजाज़त। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।